हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी निवेदिता अग्रवाल एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम इस लेक्चर में करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व। सो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, अखिला वेंट टू अ फेयर इन हर विलेज, शी वॉन्टेड टू इन्जॉय राइड्स ऑन द जायंट व्हील एंड प्ले होपला, अ गेम इन विच यू थ्रो अ रिंग ऑन द आइटम्स केप्ट इन अ स्टॉल and the ring cover any object completely, you get it. The number of times she plays hopla is half the number of rides she had on the giant wheel. Each ride costs rupees 3 and a game of hopla costs rupees 4. If she spent rupees 20 in the fair, represent the situation algebraically and graphically. हमें इसमें बोला है कि अखिला नाम की एक लड़की है, उसके विलेज में फेयर चल रहा था और वो राइड्स को एंजॉय करना चाहती थी और साथ ही होपला गेम भी खेलना चाहती थी। होपला गेम कौन सी होती है आपने देखा होगा, जिसमें आपको कुछ रिंग्स दिए जाते हैं और आपके सामने कुछ आइटम्स रखी जाती हैं। जब आप रिंग फेंकते हैं, जिस भी आइटम के ऊपर वो रिंग कम्प्लीटली चले जाती है, वो आइटम, वो ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है। तो वो वाली गेम होपला गेम होती है। तो वो चाहती थी कि मैं जॉइंट व्हील भी राइड करूँ और साथ में होपला गेम भी खेलूँ। अब हमें सिचुएशन दी है कि नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार उसने होपला गेम खेली वो किसके इक्वल है, हाफ है नंबर ऑफ राइड्स के। मतलब राइड्स अगर उसने सपोज करिए 6 टाइम्स ली है तो होपला गेम कितनी बार प्ले किया, उसका हाफ मतलब 3 टाइम्स। ये एक फर्स्ट सिचुएशन हो गई। सेकंड सिचुएशन हमें बताया है कि हर राइड का कॉस्ट जो है 3 रुपीज़ है और होपला गेम का कॉस्ट है 4 रुपीज़। अगर उसने 20 रुपीज़ टोटल स्पेंड किए हैं तो हमने ये सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले तो एल्जेब्रिकली करते हैं। नंबर ऑफ राइड्स इज इक्वल टू एक्स एंड नंबर ऑफ होपला प्ले इक्वल्स टू वाई। मतलब राइट कितनी बार लिया उसने, एक्स टाइम्स लिया, और होपला कितनी बार प्ले किया, वाई टाइम्स प्ले कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फर्स्ट कंडीशन क्या दी थी, होपला गेम उसने कितनी बार खेली है वो इक्वल है हमारे नंबर ऑफ राइड्स के हाफ के इक्वल। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि हमारे पास होपला गेम जो है वाई के इक्वल है, तो ये वाई किसके इक्वल है सिचुएशन में, क्या दी है, हाफ ऑफ एक्स। ये कंडीशन दी है, हमें बोला था कि होपला जो है वो उसने कितनी बार प्ले की है, हाफ द नंबर ऑफ राइड्स। तो नंबर ऑफ राइड्स हमारे पास एक्स है, उसका हाफ लिया उसने होपला। तो इसकी अगर हम इक्वेशन बनाना चाहें तो ये बन जाएगी आपकी, ये टू इधर चला जाएगा, 2y is equal to x और x minus 2y is equal to 0। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड कंडीशन में हमें बोला था कि कॉस्ट ऑफ राइड क्या है, रुपीज़ 3। तो हमारा तो टोटल उसने जितनी बार भी राइड ली है वो हमारे पास नंबर है x, तो हर बार उसने 3 रुपीज़ दिए होंगे, तो टोटल कितने पैसे दिए उसने राइड के लिए, 3x प्लस नंबर ऑफ टाइम्स, होपला कितनी बार प्ले किया उसने, वाई टाइम्स प्ले किया। एक बार प्ले करने का रुपीज़ है 4, तो जितनी बार भी उसने प्ले किया होगा तो उतनी बार 4 रुपीज़ दिए होंगे, तो 4 इंटू वाई हो गया टोटल कॉस्ट होपला की। ठीक है, ये जो पूरे टोटल है ये किसके इक्वल है, 20 के, क्योंकि उसने तो 20 रुपीज़ दिए और ये 20 किसके इक्वल बन रहे हैं, जितनी बार भी उसने राइड ली होगी इंटू 3 प्लस जितनी बार भी उसने होपला प्ले किया होगा इंटू 4 इज इक्वल टू 20। तो ये आपकी बन गई सेकेंड कंडीशन, इसको दे देते नंबर 2। तो ये हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर लिया हमारा जो कंडीशन दी थी क्वेश्चन में। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी बन जाती है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, सेकेंड इक्वेशन बनती है हमारी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब हमें करना है इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट। तो ग्राफिकली के लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स होने चाहिए, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे ग्राफिकली। सबसे पहले लेते हैं हम फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारी है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 2y के इक्वल। अब यहाँ पे हम x और y की कुछ वैल्यूज़ लेंगे, x और y की। अगर मैं y को 0 लेती हूँ तो x मेरा आ जाएगा 0, अगर y को मैं 1 लेती हूँ तो x मेरा आ जाएगा 2, y को अगर मैं माइनस 1 लूँगी तो x मेरा आ जाएगा माइनस 2। ये हमारी आओगी 3 वैल्यूज़। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हमारी है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी 20 माइनस 4y डिवाइडेड बाय 3।
अब इसमें भी हम x और y की कुछ वैल्यूज ले लेंगे, x और y की। अगर मैं y को 2 लेती हूँ तो x मेरा आ जाएगा 4, y को अगर मैं माइनस 4 लेती हूँ तो x मेरा आ जाएगा 12, y को अगर मैं 5 लेती हूँ तो x मेरा आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमने तीन पॉइंट्स ले लिए। अब हमारे पास दोनों इक्वेशंस के हम तीन तीन पॉइंट्स हो गए हैं। अब हम इसको प्लॉट करेंगे ग्राफ पे। तो ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें हमने पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करूँ तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है 0 0, तो ये आपका पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट हमारा है, वाई की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 2, तो एक्स की वैल्यू 2 यहाँ पर है, वाई की 1 यहाँ, ये आपका पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट है, अगर एक्स की वैल्यू -2 है, वाई की वैल्यू -1 है, एक्स की वैल्यू -2, वाई की वैल्यू -1, तो ये आपका आ जाएगा थर्ड पॉइंट। इसको हम करते हैं जॉइन। तो ये जॉइन करने पे इस तरह से लाइन बन रही है। इनके कोऑर्डिनेट्स एक बार लिख लेते हैं। कोऑर्डिनेट हमारा ये है -2, -1, ये कोऑर्डिनेट है 0, 0, और ये वाला हमारा है 2, 1। और ये कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वेशन हमारी है x-2y = 0। कोऑर्डिनेट्स और इक्वेशन कौन सी है, ये दोनों चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है। अब सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है x जब 4 पर है, y है 2, x जब 4 पे है, y है 2 यहाँ पर, x जब 12 पे है, y है -4 पे, x 12 पे यहाँ पे है, y -4 ये है, तो पॉइंट हमारा बन जाएगा यहाँ पर। थर्ड पॉइंट है, x जब 0 है, y है 5, तो y 5 यहाँ पर आता है। इसको कर लेते हैं जॉइन। तो ये हमने जॉइन कर लिया इसको, इसको भी एक बार कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये पॉइंट हमारा है 12, -4, ये पॉइंट हमारा है 4, 2, और ये पॉइंट हमारा है 0, 5। और ये इक्वेशन कौन सी थी? इक्वेशन हमारी है 3x + 4y = 20। हमें यहाँ पे बस बोला था कि जो आपकी सिचुएशन है इसको ग्राफिकली और अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो अल्जेब्रिकली तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया, हमने इक्वेशंस बना ली, ग्राफिकली अब हमने कर लिए और हमारे पास ये कुछ इस तरह से दो लाइंस बन गई। अगर हमें यहाँ पे बोला होता कि ग्राफिकली बनाकर इसका सॉल्यूशन फाइंड करिए, तो सॉल्यूशन आपको पता है कि कैसे देखा जाता है। जब भी आपकी कोई दो लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो उसका यूनिक सॉल्यूशन होता है, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है वही उसका आंसर होता है। जैसे यहाँ पर हमारे पास ये जो दोनों लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट करी इस पॉइंट पे 4, 2 पे, तो हम इसको देख के बोल सकते हैं कि हमारी x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है। लेकिन हमें यहाँ पे बोला नहीं ऐसा कुछ फाइंड करने को, तो इसलिए हम इसमें कुछ नहीं लिखेंगे कि हमारा x और y की क्या वैल्यू है, सिर्फ इतना रिप्रेजेंट करना है और आपका आंसर सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन को करना कैसे। बस इक्वेशन को आपको बनाना था, रिप्रेजेंट करना था पूरी सिचुएशन को, और फिर उसको ग्राफ पे प्लॉट करना था। तो ग्राफ पे प्लॉट करती है, इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, 7 years ago आई वॉज 7 times as old as you were then। ऑल्सो 3 years from now आई शेल बी 3 times as old as you will be। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। इसमें हमें बोला है कि आफ्ताब एक लड़का है, वो अपनी बेटी को कहते हैं कि 7 years ago मतलब 7 साल पहले मैं तुमसे 7 times ज़्यादा बड़ा था, जितना तुम 7 साल पहले थी उसका 7 times ओल्ड था। और साथ ही उसने बोला कि अभी से, आज से, प्रेजेंट से 3 साल बाद मैं तुमसे 3 गुना ज़्यादा होऊंगा, जितनी तुम उस टाइम जो भी तुम्हारी एज रहेगी उसका मैं 3 times ज़्यादा होगा। तो ये आपकी सिचुएशन है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। हमें इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालने को नहीं बोला, सिर्फ रिप्रेजेंट करने को बोला है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट एज ऑफ आफ्ताब एक्स एज ऑफ आफ्ताब्स डॉटर वाई, ये प्रेजेंट एज है। ठीक है, इसको लिख लेना कि प्रेजेंट एज, ये आपका आ जाएगा प्रेजेंट एज। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन उसने बोला है 7 साल पहले की, तो सबसे पहले तो हम कंडीशन लेंगे 7 years ago की। 7 years ago, 7 साल पहले दोनों की एज रही कितनी होगी?
आफ्ताब जो होगा वो होगा, अभी x है तो x का 7 माइनस करेंगे, x माइनस 7, ये उसके 7 साल पहले एज होगी। और डॉटर की क्या होगी, y माइनस 7, अभी जो एज है उससे 7 कम होगी। अब कंडीशन क्या दी है, कंडीशन हमें बोला है कि 7 साल पहले आफ्ताब जो था अपनी बेटी के 7 टाइम्स ओल्ड था, तो आफ्ताब की एज 7, आफ्ताब की एज 7 साल पहले थी कितनी, x माइनस 7, तो x माइनस 7 किसके इक्वल है, y माइनस 7 का 7 टाइम्स, y माइनस 7 का 7 टाइम्स, ये कंडीशन दी है। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा बन जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 49। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी x माइनस 7y, ये 7y उधर चला गया, ये 7 यहाँ पर आ गया, इज इक्वल टू माइनस 42। इसको देते हैं नंबर 1। सेकेंड कंडीशन हमें बोली है 3 साल बाद की, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। सो 3 साल बाद की कंडीशन, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, इस कंडीशन की अगर बात करें तो आफ्ताब की एज क्या होगी, आफ्ताब होगा x प्लस 3, डॉटर होगी y प्लस 3। अब कंडीशन हमें क्या बोलती थी कि 3 साल बाद आफ्ताब की जो एज होगी, मतलब x प्लस 3 होगा, वो उसकी डॉटर का 3 टाइम्स होगा, तो डॉटर उसकी है y प्लस 3, इसका 3 टाइम्स, ये हो गया कंडीशन। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसको देते हैं नंबर 2। तो ये हमने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन बनाकर एल्जेब्रिकली सॉल्व कर लिया है, अब हमने करना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली के लिए हमारे पास पॉइंट्स होने चाहिए, हम कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं ग्राफिकली। अगर देखें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनी थी x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 42 प्लस 7y। अब यहाँ पे x और y की कुछ वैल्यूज लेनी है, x और y की वैल्यूज लेंगे। अगर मैं y को लेती हूँ माइनस 6 तो x मेरा आ जाएगा 0, अगर y को मैं लेती हूँ माइनस 5 एक्स मेरा आ जाएगा माइनस 7, और अगर y को मैं लेती हूँ माइनस 4 तो एक्स मेरा आ जाएगा माइनस 14। ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हमारी है x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। इसके भी पॉइंट्स ले लेते हैं x और y के। अगर मैं y की वैल्यू लेती हूँ माइनस 2 तो एक्स मेरा आ जाएगा 0, अगर y की वैल्यू लेती हूँ माइनस 3 एक्स मेरा आ जाएगा माइनस 3, y की वैल्यू अगर मैं लेती हूँ माइनस 4 तो एक्स मेरा आ जाएगा माइनस 6। अब इसको हमने प्लॉट करना है ग्राफ पे। सो ये हमारा ग्राफ रेडी है, इस पे प्लॉट करते हैं पहले फर्स्ट इक्वेशन। जब x की वैल्यू 0 है तो y है हमारा माइनस 6, ये आ गया माइनस 6। x की वैल्यू माइनस 7 है, y की वैल्यू माइनस 5 है, x की माइनस 7, y की माइनस 5, तो पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ। x की वैल्यू माइनस 14 है और y की वैल्यू माइनस 4 है, माइनस 14 और माइनस 4, ये यहाँ पर पॉइंट आता है। इसको हम करते हैं ज्वाइन, इसके एक बार कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा है 0, -6, ये आपका -7, -5, और ये है -14, -4। इक्वेशन कौन सी थी हमारी, ये है आपकी x माइनस 7y इज इक्वल टू -42। सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू जब 0 है, y है -2, ये पॉइंट। x की वैल्यू -3 है, y की वैल्यू -3 है, ये पॉइंट आ गया। x की वैल्यू -6 है और y की वैल्यू -4, -6 पे -4, ये पॉइंट आ गया। इसको भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये हमने ज्वाइन कर लिया। इसके कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, ये कोऑर्डिनेट हमारा है -6, -4, ये है -3, -3, और ये है 0, -2। इक्वेशन हमारी है x इज इक्वल टू 6
प्लस 3y। तो ये हमने दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफिकली। अगर हमें वैल्यू निकालने को बोली होती तो हम इसको इंटरसेक्ट करके पॉइंट्स निकालते कौन सा पॉइंट यूनिक सॉल्यूशन बना रहा है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया सॉल्व। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर पूरे जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उस सब की पीडीएफ अवेलेबल होगी। तो कुछ भी क्वेश्चन देखना है या कुछ भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है द पाथ ऑफ अ ट्रेन ए इज गिवन बाय इक्वेशन 3x + 4y इज -12 इज इक्वल टू 0 एंड द पाथ ऑफ अनदर ट्रेन बी इज गिवन बाय द इक्वेशन 6x + 8y -48 इज इक्वल टू 0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। अब हमारे पास क्वेश्चन दिया है कि हमारे पास दो ट्रेन्स हैं, ट्रेन ए और ट्रेन बी। ट्रेन ए का पाथ इस इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया गया और ट्रेन बी का पाथ इस इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। हमें यहाँ पे इक्वेशन नहीं बनानी, हमें सिर्फ इस इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है 3x + 4y -12 इज इक्वल टू 0, ये आपकी है फर्स्ट इक्वेशन। इसमें से हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ पॉइंट्स लेंगे ताकि हम ग्राफ पर प्लॉट कर सकें उसको। तो इसको लिख लेते हैं इस तरह से, एक्स इज इक्वल टू 12 -4y डिवाइडेड बाई 3। अब यहाँ पे x और y की कुछ वैल्यूज लेंगे। अगर मैं y को लेती हूँ 0, x मेरा आ जाएगा 4। अगर मैं y को लेती हूँ 3, x मेरा आ जाएगा 0। y को अगर मैं लूँगी -3, x आ जाएगा 8। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 6x + 8y -48 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। x इज इक्वल टू 48 -8y डिवाइडेड बाई 6। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए पॉइंट्स लेंगे x और y के। अगर y की वैल्यू लेते हैं 0, x आपका आ जाएगा 8। y की अगर वैल्यू लेते हैं 3, x आएगा 4। y की वैल्यू अगर -3 लेंगे तो x आ जाएगा 12। तो हमने ये तीन पॉइंट्स ले लिए इस दोनों इक्वेशंस के। अब इसको करेंगे प्लॉट। तो पहले अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो x हमारा है 4, y है 0, ये आ गया फर्स्ट पॉइंट। x जब 0 है तो y है 3, x 0 है y 3 है। एक्स 8y -3, एक्स 8y -3, ये पॉइंट आ गया। इसको करते हैं ज्वाइन। इसके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं 8, -3, ये आपका आ जाएगा 4, 0, ये 0, 3। इक्वेशन हमारी है 3x + 4y -12 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें, x हमारा 8 है, y है 0, ये x 4 है, y है 3, x 4 है, y है 3, ये पॉइंट आ गया। x 12 है, y है -3, x 12, y -3, दैट इज ये पॉइंट। इसको भी करते ज्वाइन। तो ये हमने ज्वाइन कर लिया, इसके भी एक बार कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। ये आपका आ जाएगा 12, -3, ये 8, 0, 4, 3। और इक्वेशन कौन सी है, 6x + 8y -48 इज इक्वल टू 0। तो ये हमने दोनों इक्वेशंस को रिप्रेजेंट कर लिए ग्राफिकली। अब आप इसको देखो तो देखकर पता चल रहा है कि ये हमारी पैरेलल लाइंस हैं। बस इसमें यही करना था, अगर रिप्रेजेंट करना था, इसमें कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना, तो हमारा क्वेश्चन हो गया ये डन। तो अब देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन हमें बोला है ग्लोरिया इज वॉकिंग अलॉन्ग द पाथ ज्वाइनिंग -2, 3 एंड 2, -2, ये कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। वाइल सुरेश इज वॉकिंग अलॉन्ग द पाथ ज्वाइनिंग 0, 5 एंड 4, 0। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ग्राफिकली। हमें यहाँ पे बोला है कि ग्लोरिया एक लड़की है, वो वॉक कर रही है एक पाथ पे, जो पाथ हमारा बना है इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं। और वहीं सुरेश की अगर बात करें तो सुरेश वॉक कर रहा है इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करके, जो हमारा पाथ बनेगा उस पाथ पर। तो हमने ये सिचुएशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो बस ये क्वेश्चन हमारा और भी इजी है, क्योंकि इसमें ना हमें इक्वेशन बनानी है, ना कुछ ऐसे सिचुएशन दी गई है। हमें सिर्फ पॉइंट्स दिए हैं, जो कि हम नॉर्मली, हमें जब कोई इक्वेशन गिवन होती है तो हम पॉइंट्स खुद निकालते हैं एक्स और वाई की वैल्यूज लेट करके। लेकिन यहाँ पे हमें पॉइंट्स पहले से दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, हमें बस उसको प्लॉट करना है और ग्राफ बनाना है। तो देखते हैं इसको। ये हमारा ग्राफ है।
अगर हम पहले ग्लोरिया का कंडीशन देखें तो पहला पॉइंट हमारा है -2.3, -2.3 पॉइंट आ जाता है ये, -2.3। सेकेंड पॉइंट है 2.-2, 2.-2, 2.-2, ये आ गया सेकेंड पॉइंट। ठीक है, इनको हमें ज्वाइन करना है, ये हमने कर लिया ज्वाइन। सुरेश का केस देखें अगर, तो पॉइंट हमारा पहला है 0.5, तो 0.5 आपका आ जाएगा ये। सेकेंड पॉइंट है 4.0, ये आ जाएगा। इसको भी करते हैं ज्वाइन, पहले लिख लेते हैं 4.0 और ये है 0.5। बस इसको हमने कर लिया ज्वाइन, यही हमें करना था। तो ये केस हमारा है ग्लोरिया का और ये है सुरेश, सिंपल। हमें बस बोला था रिप्रेजेंट करना इस सिचुएशन को ग्राफिकली, तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर लिया, इसमें और कुछ भी नहीं करना। फोर्थ क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। अब देखेंगे हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 एंड विदाउट ड्राइंग दैम, फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, आर पैरेलल और कोइंसाइड। हमें इसमें बोला है कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए गए हैं, आपने इनके रेशियोज़ को कंपेयर करना है, मतलब A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 आपको फाइंड करना है, और इन इक्वेशंस को ग्राफ पे रिप्रेजेंट नहीं करना, ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ रेशियोज़ को कंपेयर करके आपको बताना है कि क्या ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, कंडीशन क्या है, ये इंटरसेक्ट कर रही है, पैरलर है या कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा ही आपको एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन था। अगर आपने एनसीईआरटी की वीडियो नहीं देखी या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से पहले एक बार कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो। सो फर्स्ट पार्ट हमारा है 5x-4y+8 = 0, 7x+6y-9 = 0। तो ये हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, तो हम पहले इसमें रेशियोज फाइंड करेंगे। फर्स्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो हमारा A1 है 5, B1 है -4, C1 है 8, A2 है 7, B2 है 6, C2 है -9। ठीक है, अब इसमें हम रेशियोज फाइंड करेंगे। A1/A2 = 5/7, B1/B2 = -4/6, दैट इज -2/3। अब मैंने इसमें पहले भी बताया है, अगर आपके पास A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं आ रहा तो आगे आपको C1/C2 निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर इक्वल आ रहा तब हमें निकालना पड़ता है देखने के लिए कि क्या वो C1/C2 A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारा A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं है। हम लिख लेते हैं यहाँ पर A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2। अगर ऐसा कुछ कंडीशन होता है, ये कौन सा केस है, ये आपका केस है इंटरसेक्टिंग लाइन का, तो हम इसको देख कर बता सकते हैं। देयरफोर ये जो हमारा केस कौन सा है, इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट केस तो हमारा ये हो गया। सेकेंड केस अगर देखते हैं 3, C1 है 12, A2 है 18, B2 6, C2 = 24। तो A1/A2 बन जाएगा 9/18, दैट इज 1/2, B1/B2 = 3/6, दैट इज 1/2। अब A1/A2 B1/B2 को इक्वल आ रहा है तो हम C1/C2 निकालेंगे, C1/C2 = 12/24, दैट इज 1/2। अब यहाँ पे हमें देख कर पता चल रहा है कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। ये वाली कंडीशन कौन सी कंडीशन है, ये आपकी कंडीशन है कोइंसिडेंट लाइंस की, तो इसको देखकर हम कह सकते हैं कि हमारा कोइंसिडेंट लाइंस का केस है, सिंपल। थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड पार्ट में हमारा A1 बन रहा है 6, B1 है -3, C1 है 10, A2 है 2, B2 है -1,
सी टू है 9, इसमें हम ए वन बाई ए टू निकालेंगे, ए वन बाई ए टू आपका आ जाता है 6/2, दैट इज 3/1, बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू -3/-1, दैट इज 3/1। अब ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू के इक्वल आ रहा है तो हम सी वन बाई सी टू निकालेंगे चेक करने के लिए, तो सी वन बाई सी टू हमारा आता है 10/9। इसको देख के क्लियरली पता चल रहा है कि ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ये कौन सा कंडीशन है? ये आपका कंडीशन है पैरेलल लाइंस का, पैरेलल लाइंस। सिंपल, बस हमें इसमें यही फाइंड करना था, हमें बस इक्वेशंस दी थी, उसको रेशियोज फाइंड करने हैं और रेशियो से बताना है कि ये कौन सा केस बन रहा है। तो ये तीनों केस हमने देख लिए, तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करके। तो इसी के साथ हमारा 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर किसी भी क्वेश्चन में कुछ डाउट है तो आप PDF से देख सकते हैं, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अब देखेंगे 6th क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x+3y-8 इज इक्वल टू 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। हमें इसमें बोला है कि लीनियर इक्वेशन हमें एक दी है 2x+3y-8 इज इक्वल टू 0, हमें दूसरी एक और लीनियर इक्वेशन बनानी, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होना चाहिए। उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक इक्वेशन दिया है, दूसरा इक्वेशन बनाना है। इस तरह से बनाना है कि वो जो पेयर बनेगा वो पेयर आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस फॉर्म करे। एक बार तो ये बोला, सेकंड बार हमें बोला है कि पैरेलल लाइंस का कंडीशन दिखाए, और थर्ड में हमें बोला कि कोइंसिडेंट लाइंस का कंडीशन दिखाए। तो कंडीशन कैसे दिखती है? अगर आपके पास दो इक्वेशंस होगी, एक इक्वेशन आपको दी है, दूसरी इक्वेशन आपको बनानी है। तो सिंपल सी बात है कि आपको भी पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या कंडीशन होती है। अगर हम रेशियोज़ के फॉर्म में दिखे तो रेशियोज़ के फॉर्म में हमें पता है कि ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू के इक्वल नहीं होना चाहिए, यही कंडीशन होती है। अब हमारे पास जो इक्वेशन है 2x+3y-8 इज इक्वल टू 0, इसमें ए वन है 2, बी वन है 3, सी वन है -8। हमें ए टू बी टू सी टू बनाना है, ठीक है? इस तरह से बनाना है कि ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू के इक्वल नहीं आए। तो आप इसमें कितनी भी इक्वेशंस बना सकते हो, इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको आपका आंसर जो है बिल्कुल सेम आना चाहिए जो मैंने सोचा है, वैसा कुछ नहीं है। हम इसमें कितनी भी इक्वेशंस बना सकते हैं, बस आपको देखना है कि ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर मैं इक्वेशन ऐसा कुछ बना लूँ 2x+3y की जगह पर 6y कर दूँ -8 इज इक्वल टू 0, ऐसा कुछ बना लूँ, तो ये इक्वेशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास ए टू बन रहा है 2, बी टू बन रहा है 6 और सी टू बन रहा है -8। सब कुछ सेम है, मैंने इसमें बस बी टू की वैल्यू चेंज कर ली। तो इससे क्या बनेगा? ए वन बाई ए टू आपका बनेगा 2/2, दैट इज 1, बी वन बाई बी टू आपका बनेगा 3/6, दैट इज 1/2। तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 1/2, इसका मतलब ये जो इक्वेशन मैंने बनाई है, ये इक्वेशन और ये जो गिवन इक्वेशन है, ये दोनों मिलकर एक इंटरसेक्टिंग लाइन का कंडीशन फॉर्म करेगी। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, ठीक है? यही आपका आंसर हो गया। आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, आप इसमें चाहो तो 2 की जगह पे इसको 3 बना सकते हो, इसको 6 बना सकते हो, या दोनों को कुछ कुछ चेंज कर सकते हो, इसको 4 कर सकते हो, इसको 9 कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कितनी भी इक्वेशंस बना सकते हो। बस आपको कंडीशन पे फोकस करना है, कंडीशन आपकी ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू को नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड केस हमारा है पैरेलल लाइंस का। तो पैरेलल लाइंस के लिए हमें भी पता है कि कंडीशन होती है ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, ये कंडीशन होती है पैरेलल लाइंस के लिए। अब हमारे पास ए वन है 2, बी वन है 3, सी वन है -8। हमें क्या करना है? ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू को इक्वल बनाना है, लेकिन सी वन बाई सी टू को इक्वल नहीं होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, ए वन और बी वन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको एज इट इज़ रखते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, ए वन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4x, प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6y-8 इज इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसको देखकर अगर आप बनाओ, ए टू आपका है 4,
बी टू है 6, सी टू है माइनस 8। तो रेशियो आपकी जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू 2/4, दैट इज 1/2। बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू 3/6, दैट इज 1/2। ए वन बाई टू बी वन बाई बी टू के इक्वल आ गया, बट सी वन बाई सी टू इज इक्वल टू -8/-8, दैट इज 1, जो कि इक्वल नहीं है। तो ये क्लियरली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई कर रही है पैरेलल लाइंस की। इसका मतलब ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी। सिंपल। तो आप ऐसे कितनी भी इक्वेशंस बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। थर्ड इक्वेशन की अगर बात करें तो हमें यहाँ पे दिखाना है कोइंसिडेंट लाइंस का केस। कोइंसिडेंट लाइन के लिए कंडीशन होती है ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ये बहुत सिंपल है क्योंकि हमें यहाँ पे इक्वल बनाना है। तो पूरी जो आपके पास गिवन इक्वेशन है जो कि है हमारी 2x+3y-8 इज इक्वल टू 0, इस पूरी इक्वेशन को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, किसी से भी करो। तो जब ये पूरी की पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी तो रेशियो आपकी सेम आएगी। जैसे इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ 2 से, तो इक्वेशन बन जाएगी 4x+6y-8 to 16 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर ए वन 2 है, ए टू 4 है, बी वन 3 है, बी टू 6 है, सी वन -8 है, सी टू -16 है। तो कंपेयर करने पे ए वन बाई ए टू आपका बनता है 2/4, दैट इज 1/2। बी वन बाई बी टू 3/6, दैट इज 1/2। सी वन बाई सी टू इज इक्वल टू -8/-16, दैट इज 1/2। तो ए वन बाई ए टू बी वन बाई बी टू के इक्वल है और सी वन बाई सी टू के इक्वल है। तो ये कंडीशन आपकी कौन सी बन रही है, कोइंसिडेंट लाइंस की। इसका मतलब ये जो इक्वेशन बनाई थी मैंने, ये कोइंसिडेंट लाइन का केस बनाएगी गिवन इक्वेशन के साथ। तो सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप आपको समझ आया होगा इसको किस तरह से बनाना है। इसमें कोई एक आंसर नहीं है, कोई एक सॉल्यूशन नहीं है, आप इसमें कितने भी इक्वेशंस को बना सकते हो। तो अब देखेंगे हम आज के एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। हमें बोला है कि एक दिन में 2 kg एप्पल का और 1 kg ग्रेप्स दोनों का इकट्ठा रेट बन रहा था, प्राइस बन रहा था ₹160। एक मंथ के बाद 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स का प्राइस बन रहा है ₹300। ये सिचुएशन को आपको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है और एल्जेब्रिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हम लेट करेंगे कॉस्ट ऑफ एप्पल्स 1 kg। 1 kg एप्पल्स का कॉस्ट हम लेट कर लेते हैं x। कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स 1 kg इज इक्वल टू y। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट केस क्या बोला हमें, 2 kg एप्पल, 1 kg एप्पल का कॉस्ट है x, तो 2 kg को हो जाएगा 2x+। ग्रेप्स की बात करें तो 1 kg का है y। अब ये जो टोटल कॉस्ट है ये कितना बन रहा है, ₹160। ये आपकी बन गई फर्स्ट इक्वेशन। ऑल्सो सेकेंड इक्वेशन क्या बोली हमें, 1 month के बाद 4 kg एप्पल मतलब 4x+ 2 kg ग्रेप्स 2y इज इक्वल टू ₹300। ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। तो ये हमने इसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, अब हमें करना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। ग्राफिकली फ्रॉम फर्स्ट y की वैल्यू आपकी आ जाती है 160-2x। अब इसमें हम x और y की कुछ वैल्यूज लेंगे। अगर मैं x को लेती हूँ 0, y मेरे आ जाएगा 160। x को अगर मैं लेती हूँ 20, y मेरे आ जाएगा 120। एक्स को अगर मैं लेती हूँ 40, तो वाई मेरा आ जाएगा 80।
अब इसमें आपको 1, 2, 3 जैसे छोटे नंबर्स नहीं लेने, क्योंकि जब आप इसको माइनस करोगे तो जो आपके आंसर्स बनेंगे उसको आप प्लॉट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए इस तरह से नंबर आपको लेने हैं। तो ये हमने 3 नंबर्स ले लिए। सेकेंड इक्वेशन की अगर बात करें, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन हमारी ये है 4x + 2y इज इक्वल टू 300। तो y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 300 - 4x / 2। इसको चाहो तो इससे 2 को कॉमन ले सकते हो और आपकी इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू 150 - 2x। सिंपल, ठीक है। अब इसमें भी हम वैल्यूज लेंगे x और y की, x और y की। अगर मैं x को लेती हूँ 0, y मेरा आ जाएगा 150। अगर मैं x को लेती हूँ 20, तो y मेरा आ जाएगा 110। x को अगर लेती हूँ 40, तो y आ जाएगा 70। बस इसको हमने प्लॉट करना है ग्राफ पे। इसमें जो मैंने पॉइंट्स लिए हैं, इसको देखो कैसे लिए हैं मैंने, 20-20 का गैप लिया हुआ, मतलब वन बॉक्स जो ग्राफ का एक बॉक्स होता है वो इक्वल है हमारा 20 पॉइंट्स के, ठीक है। तो 20-20 का गैप लिया, 20, 40, 60, यहाँ पे भी 20-20 का लिया है। क्यों लिया ऐसा? क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट्स बने हैं इसको प्लॉट करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। अब हम इसमें फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, एक्स जब जीरो है तो वाई है 160, एक्स जीरो है तो वाई 160 है, ये पॉइंट आ गया। एक्स जब 20 है तो वाई 120, एक्स 20 वाई आपका 120, ये। एक्स 40 वाई 80, एक्स 40 वाई 80, ये हमने 3 पॉइंट्स ले लिए, ये हमने कर लिए ज्वाइन। अब इसमें एक बार कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, ये हमारा है 40, 80, ये है 20, 120, ये है 0, 160। ये 3 ले लिए। और ये इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशन आपकी है 2x + y इज इक्वल टू 160 के लिए। सेकेंड इक्वेशन की अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट हमारा है 0, 150, 0, 150। अब 150 कहाँ आएगा? 140 और 160 के बीच में, मतलब यहाँ कहीं, ये 20, 110 कहाँ आएगा? 100 और 120 के बीच में, तो ये आपका आ गया पॉइंट। थर्ड है 40, 70 कहाँ आएगा? 60 और 80 के बीच में, ये पॉइंट आ गया। इसको भी अगर हम ज्वाइन करेंगे, इसे भी हमने ज्वाइन कर लिया। अब आप इसको देखो कि ये जो दोनों इक्वेशंस हैं इसका जो ग्राफ बना है आपका पैरेलल लाइंस का ग्राफ बना है। तो यहाँ पे पॉइंट्स लिख लेते हैं, पॉइंट हमारा है ये 40, 70, ये वाला है आपका, इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ एरो डाल के, 20, 110, और ये पॉइंट आपका है 0, 150, ये आ गया। और इक्वेशन कौन सी है? इक्वेशन आपकी है ये 4x + 2y इज इक्वल टू 300, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ग्राफ को अपने कैसे प्लॉट करना होता है, इक्वेशंस कैसे बनानी है अलजेब्रिकली, वो सब आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ हमारी आज की एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपको अगर कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और अगर आपको कुछ देखना है कुछ क्वेश्चन को तो PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। अगर आपको आज की ये वीडियो यूज़फुल लगी और इंटरेस्टिंग लगी, समझ आया एक एक क्वेश्चन किस तरह से करना है, सो डू हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।